लेखपाल और कानून के माध्यम से उस पर कब्जा करा दिया जाता है, धरवाई हो रही है। डीजीपी का घेराव करेंगे, उन्होंने झूठे वादे किए, हमसे मिलाया नहीं, क्योंकि वहाँ मैंने पता लगा लिया कि धनवाई हो रही है, हमारा पशु है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो इस वक्त हम लखनऊ के कैसरबाग के डीएम कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम उन तमाम लोगों की आज बात करेंगे जो यहाँ पर जन सुनवाई लेकर के आए हैं या कोई ज्ञापन देने आए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ लोग किसान यूनियन के हैं जो कि अपना ज्ञापन डीएम कार्यालय के अंदर देने आए थे, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं और उनका मुद्दा क्या है और वो किस संदर्भ में डीएम साहब से बात करने के लिए यहाँ पर आए थे। सर नमस्कार, नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन तोमर। ठीक है, तो सर आज आप यहाँ डीएम कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, तो आखिर आप यहाँ पर किस लिए आए थे? मैं 26 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन है इको गार्डन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ साथ ऑल यूपी से किसान यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं अपनी समस्याओं को लेके, जिसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। और मेन समस्या यह है कि भू राजस्व की और सरकारी ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है, लेखपाल और कानून के माध्यम से उस पर कब्जा करा दिया जाता है, धरवाई हो रही है। और जब कोई लिखा पढ़ी की जाती है तो 67 का नाम लिख के उसको टहला देते हैं। अभी जैसे एक तहसील मलियाबाद थाना पुरवा में सुगरबाड़ा के नाम से ज़मीन एक इंगित है भू राजस्व में, लेकिन वहाँ के प्रधान ने और लेखपाल ने मिलके 2 मंजिला उस पर जो है होटल बनवा रखा है और जिस पर आदेश भी हो गए उसको गिराने के, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा थाना पुरवा में ही तहसील मलियाबाद में तालाब की जमीन पर भूतपूर्व प्रधान द्वारा और उनके भाइयों द्वारा मकान बना लिया गया तालाब की ज़मीन पर, और इसकी कई बार लिखा पढ़ी करने के बाद भी वो लोग उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे, 67 का नाम लेके उसको टहला देते। और जब उनसे ये पूछा था कि धारा 67 के अंतर्गत यदि मुकदमा कायम है तो मुकदमा नंबर हमको बताइए, वो नहीं बताते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने पता लगा लिया कि धन उगाही हो रही है सुगरबाड़ा से भी और ताला में पट्टे है उनमें भी, मतलब ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण का एक केस बन रहा है। और कोई आपका ऐसा मुद्दा? और ऐसे मुद्दे तो आपको ओलिपी मिलेंगे, तालाब है, तालाब की जमीन अब कब्जा कराया जा रहा है, खलिहानों की जमीन मकान बनवाए जा रहे हैं, जबकि ये कहा गया है कि भू राजस्व की जो ज़मीन पड़ी हुई है खाली उस पर कोई कब्जा न हो, लेकिन उसमें भी लेखपाल पुलिस की मदद से जो पैसा दे देता है उसका रातों रात मकान बना देते हैं, आम रास्ता बंद करा देते हैं। एक मिनट गुरुजी, वो कौन सा है? तो जहां पर एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि हम अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे, तो वहां दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से अतिक्रमण की तमाम शिकायतें हैं। तो आइए जानते हैं कि और इनके क्या अहम मुद्दे हैं। देखिए मेरे 28 मुद्दे हैं। मेरा नाम गुरु प्रसाद गुरु जी है, मैं मंडल उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी हूँ। 28 मुद्दे हैं हमारे। हमने पिछली बार इको गार्डन में मीटिंग पंचायत किया था, उसमें तमाम अधिकारियों ने हमसे वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री से आपकी वार्ता कराएंगे, 1 महीने बाद भी नहीं वार्ता हुई। उसी आक्रोश में साल भर के बाद मैं रास्ता दे करके एक पंचायत करना, जो बहुत बड़ी पंचायत है, और हम लोग सीधे डीजीपी का घेराव करेंगे। उन्होंने झूठे वादे किए, हमसे मिलाया नहीं, और हमारे तमाम 28 मांगे ऐसी हैं, जैसे गन्ने का भाव है, मलियाबाद के क्षेत्र में पेड़ काटने से लोग रोक ले आते हैं, उनको परेशान करते हैं, अपना किसान अपना पेड़ नहीं काट सकता है, इन सब मुद्दे हैं। बिजली विभाग वाले और बिजली सरकार ने बहुत झूठे वादे किए इस बात के, जो नलकूपों पर फ्री बिजली देने कहा था वो भी नहीं किया, घरों की 100-200 यूनिट फ्री कहा था वो भी नहीं किया, बहुत से ऐसे जरूरत आवारा पशु हैं उनको सब सड़क पर घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, किसानों खेत चलते हैं बहुत। पशुओं का क्या मुद्दा है, थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे क्या होता है पशुओं का? जी देखिए ऐसा है, पशुओं को आवारा, पशुओं को आवारा नहीं कहिए, किसानों के ही पशु हैं, मगर सरकार ने उस पर बड़ा भारी कदम उठाया है, मगर सरकार उस पर असफल है। असफल ये है कि गौशाला तो बना दिया, मगर गौशालाओं की जो बाउंड्री वाला है नहीं कराया, और तार से बैरिकेडिंग कराई, वो जानवर तड़क फांद के निकल जाते हैं, तो वो गौशाला के नाम पर सरकार और प्रधान उनके मिले जो करिंदे लोग हैं वो पैसा खा रहे हैं, और जानवर किसानों के खेत चल रहे हैं, किसान अपना पूरा जानवर रखते हैं और किसानों को ऐसा, ये सब झूठ है, किसान वो उसी गौशाला में करके आते हैं, मगर वो गौशाला के जो करिंदे लोग छोड़ देते हैं रात में,
हाँ, उनसे कोई गलती नहीं, किसानों को नहीं, चारा बचाने के लिए। तो जो महापंचायत होनी है उसमें आप लोगों की किस तरीके से तैयारियां हैं कि सरकार के खिलाफ ऐसे से पूरे प्रदेश से 72-73 जितने जिला हैं सब जिलों से ट्रेनों से बस से ट्रक से गाड़ियों से सब किसान पहुंचेगा। इसमें डीजीपी इसमें टिकैत जी भी आएंगे? टिकैत जी नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर जी, चौधरी संजीव तोमर जी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ डीएम कार्यालय के बाहर खड़े भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग जो कि आज ज्ञापन देने आए थे कि इको गार्डन में इनकी महापंचायत होनी है उस संदर्भ में, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 26 को जब इनकी महापंचायत होगी तो वहाँ कैसे क्या तैयारियाँ रहेंगी। इनके मुद्दे तमाम हैं जिस पर इन्होंने सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि सरकार के दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए इन्हें बार बार चक्कर लगाना पड़ता है या फिर धरने पर बैठना पड़ता है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।